हुळु दबंग 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 हुळु हुळु दबंग 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 दबंग। देखिए नवल आ गया अपनी विक्रांता में और आज जा रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ चंपावत से। तो देखिए दोस्तों आज हम आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ से पूरा बनबसा टनकपुर नानकमत्ता खटीमा सब दिखता है। देखिए यहाँ से हम इधर उधर व्यू के लिए भागते हैं लेकिन हमारे बगल में टनकपुर में इतना खूबसूरत व्यू है लेकिन हम इसकी कद्र नहीं करते। केवल टनकपुर से 15 किलोमीटर, केवल टनकपुर से आप ऊपर 15 किलोमीटर आएंगे आपको नवल लेके आ जाएगा। ये लेता है 100 रुपए सवारी। इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। इस खूबसूरत व्यू को देख के एक शायरी याद आ गई। दवा पूछते रहता था मैं जमाने भर से सारे जख्म भर गए तेरे हाथ लगाने भर से। बड़ी मुद्दत के बाद सोया था मैं चैन से। उड़ गई नींद तेरे ख्वाब में आने भर से। तो आखिरकार 10 बजे में क्लास में पहुंच गया हूँ। 10 बजे लग जाती है हमारी हाजिरी, इसके बाद हो जाता है हमारा मोबाइल स्विच ऑफ। मिलते हैं शाम को। अभी हो गई हमारी छुट्टी और हम निकल गए बाहर क्लास से। जल्दी चलो यार, पढ़ाई करनी है। तो 10 से 5 बजे तक क्लास, सफर करने के बाद हम 10 से 5 बजे तक क्लास करें, बहुत लंबी हो जाती है। 10 से 5 तक चलती है आजकल एग्जाम है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास चलती है, 5 बजे तक क्लास चलती है और 5 बजे बाद फिर 1 घंटा वॉक करना शाम को और उसके बाद पढ़ाई। ये लास्ट महीना हमें बहुत जम के पढ़ाई करनी है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, सबको पास होना है। हर किसी को पास होके यहाँ से अपने अपने क्षेत्र में जाना है और ईमानदारी से काम करना है। 10 बजे से 5 बजे तक क्लास पढ़ने के बाद थकान इतनी हो जाती है, थोड़ा वॉक करनी शाम को बहुत जरूरी है पता है। तो अभी हम जा रहे हैं वॉक करने। आप लोग नहीं आ रहे हो? लच्छू सर, जीवन सर, आप लोग नहीं आ रहे वॉक करने? पुजारी सर, यार दिन भर क्लास में बैठे बैठे थोड़ा शरीर को हरकत दो भाई, वॉक करनी बहुत जरूरी है पता है। और अभी हम चल दिए हैं मार्केट वॉक करने जाना है क्या? हम अभी चल दिए मार्केट काम से क्योंकि अब एग्जाम है तो कॉपी वॉपी लानी है, तो अभी हमें नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए कुछ कॉपी वॉपी लेके आएंगे क्योंकि 15-20 दिन के अंदर नोट्स बना लेने हैं और पढ़ाई होने वाली बहुत तगड़ी। पर मैं 10-15 दिन ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, मुझे देखने के लिए आपको ट्रेनिंग खत्म होने का शायद इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर 3-4 दिन में एक बार ब्लॉग बना ही दूं। जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की जय। तो हम खरीद रहे हैं अमरूद और सेब भी खरीद रहे हैं। तो कहने में क्या जा रहा है, सेब भी खरीद रहे हैं भाई। अमरूद 50 रुपए किलो हो रहा है, सेब कितने रुपए किलो हो रहा है? 100 रुपए किलो से अमरूद के होंगे। 1 दर्जन केले। पिथौरागढ़ मार्केट से फल फ्रूट लेने के बाद हम निकल जाते हैं मिलन चिकन कॉर्नर पनीर लेने, क्योंकि सराज चल रहे हैं तो हम खाएंगे अभी पनीर। चिकन पनीर था क्या था? चिल्ली पनीर बना दो। उस दिन ले गए थे बहुत बढ़िया बनाया था। कितना बनाओ? 150 का बनाया था ना। एक आज चिल्ली पनीर बनाओ बोलो। उस दिन हम ले गए चिल्ली पनीर ले गए थे और चाप ले गए थे ना, चाप बहुत तगड़ा बना था। अब से रोज ले जाएंगे। तो हम आ गए हैं पिथौरागढ़ मार्केट से और मार्केट से आने की खुशी में एक शायरी। इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे, इश्क वालों को फुर्सत कहाँ कि वो गम लिखेंगे, कलम इधर लाओ हम लिखेंगे। तो रास्ते में वॉक करते हुए मिले मेरे साथी और हम जा रहे हैं अभी घर कमरे की तरफ, रूम की तरफ। एक शायरी सुनाओ यार। चलो तुम्हारे लिए एक शायरी सुना लेता हूँ, ठीक है? सुनाऊं? हाँ सुना दो। इरशाद, मैंने पूछा कि इजहार नहीं हो सकता। दिल ने पुकारा खबरदार नहीं हो सकता। जिससे पूछे उसके बारे में कहता है वो खूबसूरत है लेकिन वफादार नहीं हो सकता। तो हम आ गए हैं अभी कमरे में पढ़ने का सामान लेके और फ्रूट केले वेले लेके, क्योंकि देखो पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लग जाती है ना, तो खाना जरूरी है। सेब और केले लेके पहुंच गए अपने प्रशिक्षण संस्थान। सेब कौन सा कटा वाला? केले। और देखिए यहाँ पीछे चल रही है स्टडी। ये भाई भी बहुत संघर्ष करके जॉब निकाली, इनका संघर्ष भी दिखाएंगे आपको। कुलदीप उधम सिंह नगर के हैं। दो साल ढाई साल इन्हें प्राइवेट फॉरेस्ट में प्राइवेट जॉब की हुई है। इनका भी काफी संघर्ष है। किसी ने लेते हैं इनको लाइन में। और बलजोर भाई, ये इनका भी संघर्ष काफी है यार। आपने भी चंपा जो ये वीडियो बना रहे हैं, हमारे बलिया बिहार से आए भैया हमारे। बस बेटा ये कर दी बेइज्जती सर, काला है करके क्या क्या मतलब यार, कुछ भी कह दोगे मतलब तुम गोरे हो नहीं, तुम गोरे हो तो मतलब क्या, मतलब क्या मतलब। तो हम पहुंच गए
पंकज भाई ने भी मंगाए थे केले, इनके भी केले ला गए हैं। देखिए यार स्टडी कर रहे हैं, कुछ करोगे यार कसम से। तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो यार, तुम बहुत आगे के लिए बने हो कसम से। तुम एक दिन एक गांव नहीं, तुम एक पूरा जिला चलाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरा आपको दुआएं हैं, मेरी दुआएं, ये मैं पंकज को दुआएं दे रहा हूँ कि ये एक गांव संभालने लायक नहीं है, ये एक दिन जिला संभालेगा। भाई इतना टैलेंटेड बंदा, इनका एक दिन आपको मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा। मैं इनको इसका भी नहीं कह पा रहा हूँ, मैं इनसे तू ता करके बात नहीं कर पाता हूँ। अंदर से मेरे आप तो आप करके आवाज आती है, इनके कह के इनकी मेरी फीलिंग्स आती है। तो सोचो किस क्वालिटी का बंदा होगा, बंदे होंगे पर इसके लिए मेरे मेरे दिल से बात तू ही निकलती है। तू भाई तू कुछ करेगा, रे तू नाम रोशन करेगा। तो हो गई है शाम, देखिए शाम को बैडमिंटन चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे शाम को गेम पीरियड भी होता है, खेलने वाले खेलते हैं और वॉक करने वाले देखिए सामने वॉक कर रहे हैं। और हम ऊपर से शाम के नज़ारे ले रहे हैं। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। अब थोड़े कम आएंगे ब्लॉग। जय हिंद जय भारत।